नहीं, उनके घर से हम चुरा के लाते हैं, दाल चावल तो खाते हैं। सारी काम करते थे, बालू वालू जो होता है ना घर में, तो जैसे बोलती घर क्या बनाते। नीचे आके आज नहीं गई थी तेल लेके, काहे नहीं ना अकेले गए थे, ये लड़की के लेके गए थे साथ में। हम कहीं जाते हैं अच्छा लड़की के लेकर जाते हैं, साथ में रखते हैं, तो इनके भी साथ में लेके गए थे। उस समय पर उनका तबीयत खराब था आ घर बन रहा था, तो बोली थी, चुप रहो, तो बोल रही थी कि आप रुक जाइए, हमारा तबीयत खराब है। हम बोले कि ठीक है रुक जाते हैं, तो बोली थी एक हफ्ते रुकने के लिए, तो एक हफ्ते रुक गए। हमारा काम पसंद पड़ा उनके, जैसे उनके घर के सारी काम करते थे, बालू वालू जो होता है ना घर में, जैसे घर बनता था बालू इधर उधर नहीं छिटाता है, पूरा बिटोर बिटोर कर रखना। कई कई बार मेरा हाथ जैसे सीमेंट से कट जाता था, और वही ना बर्तन धोते तो हाथों पूरा पर पड़ा था। तो वो भी बोलती थी भाभी देखिए ना हमारे हाथों भवा रहा है, तो बोलती क्या तेल लगा दो आराम हो जाएगा, लेकिन काम करो। हाँ काम करो। एक दिन काम नहीं करते तो बोलती कि आज हमारे पैर दबने क्यों नहीं आई। अच्छा बताइए आप, हम सुने थे कि आप जो है मतलब नौकर की तरह मालिश भी लगवाती थी। हाँ एक दिन अगर पैर नहीं दाबे भैया, हम ना हर वीडियो में हम बोले हैं, अपनी बेटी की कसम भी खाए हैं, अगर एक दिन पैर नहीं दाबते हैं ना, तो बोलती क्या नीचे आके आज नहीं गई थी तेल लेके, काहे नहीं गई थी, ऐसे बोलती। तो दोस्तों इनकी बातें सुन करके हमारा रूह कांप जाता है कि उस भौजैया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं देखिए कैमरा का आगे इतना अच्छी बनती है, कई कैमरे में बोली है, कई मीडिया वाले से बोली है, एक मीडिया वाले से बोली है क्या कि 2 महीना मेरे घर रही थी, एक मीडिया वाले में हम देखे हैं कि 4 महीना बोली है, और एक मीडिया वाले से बोले हैं कि 7 महीना हमारे घर रही है। वो तो ऐसे झूठ बोलती है। तो ऐसे बताइए इतना आप आपको नौकर बना करके रखना चाहती थी? नहीं बनाई थी, बनाई थी। हाँ उसके बाद से हम जब ना अपने हस्बैंड के इनके पापा जब बोले कि काहे नहीं टाइम मिलता है, जब भी हम फोन करते हैं बात नहीं करती हूँ, तो हम बोले कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं मिलता है, रात में खाना बनाओ जल्दी जल्दी खाना बना को, ही रात में बर्तन धोना पड़ता है, घर जो गैस रहता है वो पोछना पड़ता है, बर्तन धोना पड़ता है, काहे कि सुबह में उनकी बेटी 6 बजे क्लास करने जाती है स्कूल, दोपहर टिफिन हाली हाली बना के तैयार करना, उन सब के बाल ओल झाड़ना, तो रात में हम काम कर देते थे, आ जाके पैर भी दबाते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत कुछ कर किया आपने, तो बताइए आपके लिए उन्होंने कुछ किया कि नहीं किया, जैसे कि आप गई थी उनके पास वीडियो बनाने के सीखने के लिए? नहीं सीखने के लिए नहीं, ऑलरेडी हमारे पास 8,000 सब्सक्राइबर था। अच्छा मिलने के लिए आप गई थी उनके पास? अब वहाँ से हम 8,000 सब्सक्राइबर यहाँ से लेके गए थे अपने, ठीक है, वहाँ पे हमारे 15,000 सब्सक्राइबर हुआ 6 महीना में। मान के चलिए 7-6 महीना वहाँ पे थी उनको, तो 6 महीना में 7,000 और आपके बढ़ गए। हाँ। उनके पास रहते थे। हाँ। मैंने यहाँ पे भी होते तो बढ़ता, मतलब शुरू हो गया था भाई, कहीं रहेंगे तभी बढ़ते रहेंगे। हाँ। क्योंकि देखिए अभी तो हमारे चैनल पे 7-8 हजार है सब्सक्राइबर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बढ़ते ही जा रहे हैं दिन ब दिन। और पहले तो मैं कहता था सब्सक्राइब, नहीं वो बोलती थी ना कि आपके बहुत आगे बढ़ाएंगे, आप रहिए हमारे घर, जो काम लगे वो करिए, ऐसे बोलती थी, बहुत कुछ करेंगे, आपके फोन खरीद के देंगे, बहुत कुछ मानो बोली थी, नहीं करी। आपके हस्बैंड गुस्सा नहीं होते? तो नहीं गुस्सा होते कि हमारे पास टाइम नहीं, टाइम क्यों नहीं मिलता है बात करने की, कभी उनसे बातें नहीं करते, जब टाइम काम करने से फुर्सत मिलेगा तब ना बात करेंगे। तो दोस्तों आप लोग देखिए कि एक गरीब लड़की के साथ बबीता बिहारी के साथ कैसा, मतलब उसको दुर्व्यवहार ही कहा जाता है कि मतलब इतना घटिया काम किए हैं गोरखपुरिया भौजी, और यह सामने खुलासा हो गया है। दोस्तों हम चूंकि इनसे मिलने आए बोलती थी ना कि चुप्पे से वीडियो बना के हमारा जिसे सोशल की, तो चुप्पे से वीडियो हम इसलिए बनाए, हमारे हस्बैंड जब विश्वास नहीं करते थे तो हम बना के अपने हस्बैंड के पास भेजे कि देखिए हम ये काम करते हैं, तब जाके वो बोले कि आप बोरिया बिस्टा बनो, भले हम जाकर भीख मांग के खाना, बाकी किसी के घर नौकर बन के मत करो। इतना गिर कर किसी के पास नहीं जाना चाहिए, इनके लिए तो अपना काम करवाती थी। हम बता दे कि ये तो मतलब गोरखपुरिया भौजी कितना बड़ा यूट्यूबर तो नहीं है, जो भी है हम इनके पास आए, हमारा इज्जत की पानी वाली पीने के लिए दी बैठाई, और देख रहे हैं छोटे घर से है, छोटे परिवार से है, तो इनके पति बाहर कमाते हैं तब कुछ खर्चा चलता है, और यहाँ पर जहाँ पर है वो है वो किराए की मकान लेकर रह रही हैं, बहुत गरीब घर से हैं। तो दोस्तों किसी को मान लीजिए हम किसी के पास गए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल सतावे किसी को, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, इसी तरह के दिखाने के लिए हम आए थे।
और कुछ कहना चाहती है तो कह लीजिए थोड़ा सा। बहुत सारी बात है, क्या क्या बताएं आप सबसे। मैं इतना अगर मन इतनी गरीब फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे रहना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे भी रहती हूँ तो 1000 रूम के किराया देना पड़ता है, अलग से छोटा सा घर है, मकान है, इसी में हम लोग रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं। और बहुत लोग गलत गलत फैमिली से बोलते हैं कि यहाँ अकेले रहती हैं, तो हम अकेले नहीं रहते हैं, हम घर से मानो अपनी ननद से बात किए कि उनके रहने दीजिए, तो साथ में रहते हैं। तो दोस्तों देखिए, इनको कोई गलत ना कहे, जैसे कि और एक बात हमने सुना था इनने कि वो है आप कुछ गलत कर रही थी उनके घर पे। हाँ, ये बात हम भी सुने और देखे, इसलिए आप वो बोलती थी, इसलिए मैंने तार दिया आपको। हाँ, तो क्या सही है कि गलत? नहीं, यहाँ पे आप भैया पूछ लीजिए, अगल बगल सबसे पूछ लीजिए। हम कभी शाम हो जाता है ना, तो कभी कैमरे से मानो घर से बाहर नहीं निकलते हैं। यहाँ के अगल बगल के लोग भी जानते हैं, हमारे हस्बैंड भी जानते हैं, हमारी फैमिली भी जानता है कि रात के समय पे कुछ भी हो जाए हम घर से बाहर नहीं जाते हैं। तो दोस्तों देखिए कि यह सच्चाई है, और जो उसने कहा, उन्होंने कहा कि ऐसा वो गलत काम कर रही थी, यानी मैं जब तो हम गलत काम कर रहे थे उस समय पे उनके बोलना चाहिए ना कि यहाँ से चली जाओ, तो काहे के लिए रखती थी हमके बढ़िया से। सवाल तो इससे उठता है कि वो उनको बोल देना चाहिए था कि तुम गलत कर रही हो, गैर मर्द के साथ ऐसा काम कर रही हो, घटिया कर रही हो। हाँ, तो पहले ही बोल देना चाहिए था। देखिए, उनका जो हस्बैंड है अपनी बीवी के बिना एक मिनट नहीं रहते हैं। दोस्तों सच्चाई यही है कि जब एक काम कर इनके पति मिन्हा किए कि काम करना बंद कर दो, किसी गुलाम बन के मत रहो, तो वहीं से इनका काम गड़बड़ हो गया। लांछन लगाना शुरू कर दिया, हाँ, शुरू कर दिया कि मेरे वहां से चोरी करके ले गए, किसी गैर मर्द के साथ गलत संबंध बना रही थी, इसलिए मैंने खदर दिया। दोस्तों अगर कुछ नहीं, सच्चाई यही है कि उनके वहां जो भी जाए वह उनका पैर दबाए, तेल मालिश करे, उनका गिट्टी बालू साफ करे, घर द्वार साफ करे, उसके बाद वो हो सकता है कि कोई यूट्यूबर उनके वहाँ सक्सेस हो जाए। उनके घर में इतना जिस समय पे उनके घर बन रहा था ना, इतना मेहनत करना पड़ता कि पूरा मर्देहियां दर्द करता था रात में सोने पर, जैसे बालू वालू उठाना, सीमेंट उठाना घर में। बबीता जी, आपकी बातें सुन करके हमारा रूप तो भाई मतलब हो गया, लेकिन चलिए जान लीजिए जो किया आपने बड़े भाजी बहुत गलत किया, और आप ये वीडियो देखेंगी तो इसमें कमेंट करके बताइएगा। ओके, बाय, ज्यादा लंबा हो रहा है, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में कभी।